नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण जानकारी, एक और अपडेट आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। दोस्तों, नर्सिंग के क्षेत्र में 10,000 से अधिक पदों पे वैकेंसी आने वाली है। दोस्तों, पूरा ऑफिशियली अपडेट आपको हम बताएंगे। दोस्तों, आप देख सकते हो उपेंद्र जी यादव बेरोजगार युवाओं के लिए एक संघर्ष के साथ ही, आप देख सकते हो उपेंद्र यादव रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन नर्सिंग भर्ती फार्मासिस्ट एएनएम भर्तियों की विज्ञप्ति जून महीने में जारी हो जाएगी। दोस्तों, आप देख सकते हो उपेंद्र यादव ने ट्वीट किया है और जानकारी दी है कि रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन नर्सिंग भर्ती फार्मासिस्ट एएनएम भर्तियों की जो विज्ञप्ति है जून महीने में जारी हो जाएगी। इसी को लेकर पहले चिकित्सा विभाग में लगभग 5,000 पदों पर भर्तियाँ होनी थी, लेकिन अब पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी और करीब 10,000 प्लस पदों पे भर्तियां निकाली जाएगी चिकित्सा विभाग में। इसी को लेकर आप देख सकते हो, ये कुछ तस्वीरें हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये कुछ तस्वीरें हैं जो उपेंद्र यादव ने ट्वीट की है और इन्होंने मुलाकात की है सुरेश जी नवल जो निदेशक है चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ, तो उनसे मुलाकात की है और प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के जो चयनित अभ्यर्थी है उनको जल्द नियुक्ति देने और रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन ईसीजी नर्सिंग भर्ती, इसके अलावा फार्मासिस्ट एएनएम भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करने की मांग रखी है। निदेशक जी ने कहा है कि एक इसके अंतर्गत आप देख सकते हो जो उपेंद्र जी यादव है, उन्होंने जो सुरेश जी नवल जो निदेशक है अपने चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएँ से उनसे मुलाकात की है और जानकारी दी है कि 10,000 प्लस पदों पे विज्ञप्ति जून महीने में आने वाली है। तो दोस्तों, इसके अलावा जो ये वैकेंसियाँ जो आने वाली है वो आपको पता है लिखित परीक्षा के आधार पे ये वैकेंसियाँ होने वाली है। इसी को लेकर इन्होंने ट्वीट किया था। इसी के अलावा दोस्तों, नर्सिंग से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।